तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर देगवर एयरपोर्ट का एक न्यू अपडेट दीजिए। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देगवर। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये कुंडा से देगवर एयरपोर्ट की ओर जाती है। तो चलिए मैं देगवर एयरपोर्ट पहुंचकर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ के जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उनको। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट और मैं अभी खड़े हूँ रनवे पे और मैं दिखाता हूँ इस रनवे की लेंथ क्या है और कितने ये तैयारियाँ हो चुकी है। अगर मैं रनवे को दिखाऊँ तो ये रनवे की अगर लंबाई देखा जाए तो 2.5 किलोमीटर है। तो आप पूरा देख सकते हैं और रनवे बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कर चुका है और अब इस पर बोल सकते हैं एरोप्लेन लैंड कर सकता है। और उसके बाद मैं आपको आगे ले चलूँगा टर्मिनल बिल्डिंग की ओर और मैं दिखाऊँगा कि टर्मिनल बिल्डिंग कितना तैयार हो चुका है। और हम पहुँच चुके हैं टर्मिनल बिल्डिंग के पास और अगर आप यह देखें तो टर्मिनल बिल्डिंग बहुत ही तैयार हो चुका है। और ये देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये हमारा बोल सकते हैं टर्मिनल बिल्डिंग का गेट है, मेन गेट, जिससे एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे दो आपको देख मिल सकता है गेट, एक तो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और ये दूसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा दूसरा टर्मिनल बिल्डिंग का जो एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है वो है। मैं भी हो सकता है इसमें हो सकता है एक एंट्री गेट होगा दूसरा एग्जिट गेट होगा। और ये देख सकते हैं टर्मिनल बिल्डिंग का मेरा पिछला हिस्सा है और जहाँ पे काम अभी चल रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल वगैरह कुछ देखने को मिल रहा है, ये जितने भी वाल है उसमें वो मार्बल वगैरह सेट किया जाएगा और जो फर्श है फर्श में भी मार्बल लगाया जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं ये ढलाई करके छोड़ा है फर्श को और इसको कंप्लीट करेगा। साथ ही ये टर्मिनल बिल्डिंग का जो पिछला हिस्सा है वहाँ से एक रोड जाती है जो कि आगे आप ATC बिल्डिंग की ओर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ATC बिल्डिंग कैसा है और क्या कुछ काम हो चुका है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ATC बिल्डिंग की ओर और यहाँ पे देखा जाए ATC बिल्डिंग अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये बहुत सारे काम यहाँ पे हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे माइनर काम बाकी है, जैसे देख सकते हैं शीशा वगैरह लगना और जो गेट वगैरह है वो चीज़। और बाहरी हिस्सा में देखा जाए तो बाहरी हिस्सा में यहाँ पे काम चल रहा है, जो फर्श है फर्श की ढलाई हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काम मतलब बहुत ही तेज़ी वैसे हो रहा है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वायर लेवलिंग को और ये देख सकते हैं हमारा वायर लेवलिंग की जो एक ढांचा तैयार किया गया है और इसी के थ्रू से बोल सकते हैं सारे वायर को कनेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे इसका कंट्रोल है वहाँ तक ले जा रहा है। जितने भी वायर या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी वायर आया है यहाँ पर आया है और यहाँ से ही सारा कंट्रोल होगा इसी रूम से। तो ये था कंट्रोल बिल्डिंग वायर वगैरह का। अब चलिए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को पार्किंग की ओर, जहाँ पे पार्किंग होने वाले गाड़ी वगैरह। तो अगर ये क्षेत्र को देखा जाए टर्मिनल बिल्डिंग के जो पिछले हिस्से हैं वहाँ पे ये एक पार्किंग एरिया बनाया गया जो कि बहुत बड़ा एक क्षेत्र है पार्किंग एरिया का, जो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिप पे आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा पूरा जो है हमारा बोल सकते हैं पार्किंग एरिया है, बहुत ही बड़ा है। ये था मेरा एयरपोर्ट का एक न्यू अपडेट। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब तक ये तैयार हो सकता है और कब चालू हो सकता है। जितना चीज़ मैं वहाँ पे देखा वो सारी चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टर्मिनल बिल्डिंग के बारे में मैं बता दिया, ATC बिल्डिंग के बारे में बता दिया, फिर पार्किंग एरिया के बारे में भी बता दिया और भी जो भी चीज़ था मैं जितना कवर कर पाया तो मैं आपको कवर करके दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको जानकारी मिल चुका होगा कि क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है और कितने दिनों में तैयार हो जाएगा और कब बोल सकते हैं वो स्टार्ट होगा। मैं बेसिकली मुझे नहीं पता कि कब तक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन काम के अनुसार अगर देखा जाए तो और भी यहाँ पे अभी मैं मुझे लगता है कि समय एक 2 या 3 महीना लग सकता है मे बी। और बताइएगा कब तक ये तैयार हो जाएगा आप लोग।
काम देख के। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं बहुत ही धूप में गया था और काफ़ी बोल सकते हैं वहाँ तो अलाउ नहीं है, फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे हम लोग को उतना सूट करने के लिए दिया भारी क्षेत्र से जितना मैं कर पाया मैं आपको दिखा पाया, वरना नहीं तो मैं पूरा कवर करके दिखाता हूँ जैसे कि मैं पिछले बार भी आपको कवर करके दिखाता था। तो अगर वीडियो पे अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ इंस्टा को भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा आईडी इट्स अभी 2212, ये मेरा इंस्टा आईडी है, इसको जाके फॉलो कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। और भी हम एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ तो उनको भी देखिए, और अगर आप और बोलेंगे तो और मैं कवर करने के लिए तैयार हूँ। तो देखूंगा कि कुछ दिन के बाद क्या तैयार होता है, फिर मैं आपको और भी अपडेट दे दूंगा। तो तब तक के लिए सभी को बाय।